सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो गाइस अब आप बोलोगे कि बहुत दिनों के बाद रोहित भाई का ब्लॉग आया, तो गाइस मैं क्वालिटी कंटेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। इसके लिए आई नो आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बट कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, तो वो भी होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट को साइड में रखते हैं और आते हैं आज के पॉइंट पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं मोरबे डैम। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जा कैसे रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ब्लॉग में। सो गाइस आप लोग को पीछे एक बस तो दिख रही होगी, बट वो एक नॉर्मल बस नहीं है। वो क्या है, कैसा है, वो सब आप लोग को आज के ब्लॉग में पता चलेगा। ठीक है, तो चलो बहुत लोगों से इंट्रोड्यूस भी कराना है आप लोग को। सो ओके गाइस, अभी मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ सबसे। सो नीरज भाई, प्रीति, शेजाब, फराज एंड प्रेम एंड अतर। सो ये हमारी टीम है आज की। सो बहुत मज़ा आने वाला है और यहाँ पे अभी चालू है प्राइस। ओके, तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, तो स्टार्ट होगा तो कितना मज़ा आएगा देखते हैं। चलो मैं भी लाया हूँ, मेरे लिए कॉफ़ी है और बर्गर। ओके सारे के सारे बिजी हैं कंटेंट बनाने के लिए। फेक ग्रूम आज का, और ये सब रहे ग्रूम मेट्स। सबके सब काफी बिजी, किसी का ध्यान ही नहीं है कि मैं कंटेंट क्रिएट कर। ओ थैंक यू सो मच भाई यार। बाकी देखो हमारे ग्रूम दूल्हे राजा, सून टू बी दूल्हे राजा, इनकी रशियन अभी एंट्री करने वाली है। जुनू ससीने में एक जुनून एक दीवानगी, हर तरफ हर तरफ है। सो ओके, अभी यहाँ पे रुके हम लोग, थोड़ा बीच बीच में रुक रहे क्योंकि अभी हम लोग अंदर बना रहे, क्या बना रहे, बेड बना रहे हैं। इसके लिए तो रुके। तो यहाँ पे हम लोग ने बेड बना दिया है, एक ही साइड का बनाया है बेड अभी, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग नो, इसलिए। ओके, तो एक साइड का बना दिया है, पानी वहाँ बेड में। ब्यूटीफुल। बीच बीच में हम लोग ऐसा रुक रहे हैं क्योंकि क्या बोल रहा था मैं। सब लोग को अंदर का बता दूँ तो ये है एक प्राइवेट टीवी जिसमें आप लोग नेटफ्लिक्स एंड सब इन्जॉय कर सकते हो, और ये है पूरा बेड जो आप बना के यहाँ पे बैठो इन्जॉय करो, जो हम लोग करने वाले हैं। एंड आप लोग को मिलेगा यहाँ पे एक वॉशरूम जिसको ट्रैवल में आप लोग को रुक के किधर भी रोकना नहीं होगा। और यहाँ पे कम्फर्ट की बात करूँ तो देख सकते हो आप, ओके मतलब स्पेस है। ओके, तो अभी चलते हैं बाहर, और बाहर जाते ही आप लोग को यहाँ पे ये है किचन, यहाँ पे ओवन एंड फ्रिज। हाँ यहाँ पे फ्रिज है शायद, ये फ्रिज है, तो सब कुछ है मतलब यहाँ। और अभी हम लोग यहाँ पर डांस करेंगे, रील्स बनाएंगे, बहुत सारा कंटेंट शूट करेंगे। फिर लोकेशन पे पहुँचने के बाद आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ एक खास चीज़ इस बस की, वो है रूफ टॉप। इसके ऊपर जाके आप लोग इंजॉय कर सकते हो। सो ओके गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं और मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मैं तो यहीं की यार, तुम बता दो प्लीज गाइस। तो अभी क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे रेडी, ठीक है ऑल सेट। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं, डेस्टिनेशन आ चुकी है हमारी, और बहुत सारा कंटेंट बनाया अंदर भी, तो आप लोग को दिख जाएगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, सब डिस्क्रिप्शन में मैं सब दे दूंगा, टेंशन मत लो। आबादी रसालो या मधुबनी।
टेंट सब फिक्स कर रहे हैं और यहाँ पे सेटअप बना रहे हैं। यहीं पे रुकेंगे, खाएंगे और यहीं पे नाचेंगे। ठीक है, सेटअप कर रहे भाई, भाई सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे सॉन्ग्स रेडी है सब और सनसेट भी हो चुका है ऑलमोस्ट। हैप्पी फिज़ है, ये बियर नहीं है। कैसे दिखाया बता दिया, क्योंकि आप लोगों को गलत फहमी ना हो, नो अल्कोहल। चीयर्स गाइस, चीयर्स। तो हम लोग ने एक मस्त सेटअप बनाया शूट के लिए, देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है ये वैलेंटाइन डे के लिए। ये शूट के लिए हम लोग ने पूरा ये किया, डेकोरेट किया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग वहाँ पे बॉनफायर कर दिया है, ठीक है, बस अब मस्ती करना है और कुछ नहीं है। इसको करते हैं बंद और चलते हैं वहाँ पे। One shift later. तो यहाँ हम लोग का पूरा शूट वूट सब हुआ और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, चिल कर रहे हैं अभी। ओके, खत्म हो गया। बस ये भी खत्म करके फिर कहाँ जाएंगे? फिर जाके हम लोग कुछ खाएंगे और ये जर्नी यही खत्म करेंगे। तो ओके गाइस, बाय, ये लो, बाय 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 बाय। ओके, तो सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। ओके, और मेरे को अभी अकेला रहना है। तो गाइस ओके, बाय, ड्रॉप चल, बाय 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 बाय। जूम किया मैंने। ओके गाइस, तो पूरा कारवां खाली हो चुका है, सब लोग अपने अपने घर चले गए और अभी मेरा लास्ट स्टॉप है तो मैं बैठा। ओके, तो बहुत मज़ा आया गाइस, और ये एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार आप लोग भी करो तो आप लोग को भी ये फील होगा। ठीक है, आप लोग ने व्लॉग देखा तो आप लोग को पता चला होगा कि कितना मज़ा आया। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया डिटेल में, ठीक है। आप लोग को जो भी इंक्वायरी है आप लोग उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दूँगा मैं। ओके, और बस ये यहीं तक था व्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वही एज इट इज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं और डिटेल्स डालता हूँ, अपडेट डालता हूँ अपने ब्लॉग्स की, तो वो भी। ओके,